Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 28th August 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download July 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about inland waterways, and this topic is important from our syllabus paper for infrastructure point of view. तो सबसे पहले समझिए कि क्या होते हैं इनलैंड वाटरवेज. तो देखिए, जो भी हमारे देश के अंदर रिवर हैं, चैनल्स हैं, बैक वाटर्स हैं, क्रीक्स हैं, उनकी मदद से ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है. उनके ऊपर वेसल्स चलाए जा सकते हैं, चाहे कार्गो वेसल्स हों या पैसेंजर वेसल्स हों, और फिर इनको कहा जाता है वाटरवेज. जैसे सड़कों को कहा जाता है रोडवेज, रेलवे ट्रैक पर जो ट्रांसपोर्टेशन हो तो उसको कहा जाता है रेलवेज. तो वैसे ही अगर वाटर बॉडी के ऊपर कोई ट्रांसपोर्टेशन हो तो उसको कहा जाता है वाटरवेज. और जो इंपॉर्टेंट वाटरवेज होते हैं उनको कहा जाता है नेशनल वाटरवेज. वो डेजिग्नेट करती है इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. तो हमारे देश में टोटल 5 इनलैंड नेशनल वाटरवेज थे 2016 तक. लेकिन 2016 में जो मौजूदा सरकार है, इसने 106 और इनलैंड नेशनल वाटरवे डिक्लेयर कर दिए. तो अब हमारे देश में टोटल 111 इनलैंड नेशनल वाटरवेज हैं. तो ऑफ कोर्स अब 111 तो नाम आप याद नहीं कर सकते, तो आपको याद रखने हैं वो इनलैंड नेशनल वाटरवेज जो आसाम के अंदर फंक्शनल हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया, सड़कों को रेगुलेट करने वाली एजेंसी है, यानी कि रोडवेज को रेगुलेट करने वाली, खासकर नेशनल हाईवेज को रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. वैसे ही वाटरवेज को रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया. इसका मेन पर्पस होता है कि जो इनलैंड वाटरवेज हैं इसका कॉमर्शियल नेविगेशन के लिए इसका डेवलपमेंट करे. एंड दिस इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग. और ये जो इनलैंड वाटरवेज हैं बींग डेवलप्ड फॉर द पर्पस ऑफ कॉमर्शियल नेविगेशन इज बींग डन इन विथ हेल्प ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम वर्ल्ड बैंक. तो जरा समझिए, जैसे मैंने आपको बताया कि रोडवेज होते हैं, वैसे ही होते हैं वाटरवेज. अगर सड़कों पे चल रहे हैं तो ऑफ कोर्स रोडवेज. अगर पानी के चैनल्स के थ्रू, चाहे वो रिवर हो या बैक वाटर हो, उसके मदद से अगर ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है तो उसको कहा जाता है वाटरवेज. और जो जैसे इंपॉर्टेंट रोडवेज को कहा जाता है नेशनल हाईवे, वैसे इंपॉर्टेंट वाटरवेज को कहा जाता है नेशनल वाटरवेज. अब नेशनल वाटरवेज के बहुत सारे सिग्निफिकेंस हैं, एडवांटेज हैं. उनका मेंटेनेंस कॉस्ट कम रहता है, क्योंकि देखिए जो सड़कों पे चल रहा है या रेलवे ट्रैक के ऊपर जो भी चल रहे हैं ऑटोमोबाइल्स, उनका कैसा है, फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है फ्रॉम द सरफेस. वही अगर वाटर्स की तुलना में बात की जाए तो वाटर कम फ्रिक्शन लगाता है ऑन दिस वेसल. तो नेचुरली जिस भी ऑटोमोबाइल पे, वेसल पे फ्रिक्शन कम लगेगा, उसकी वियर एंड टीयर कम होगी. जब वियर एंड टीयर कम होगी तो मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगा. तो यही कारण है कि जो वाटरवेज पे ट्रांसपोर्टेशन के जो भी मेथड्स होते हैं उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है, क्योंकि फ्रिक्शन कम अप्लाई करता है वाटर. और जब मेंटेनेंस कॉस्ट कम है तो ओवरऑल दिस ट्रांसपोर्टेशन, वाटरवे ट्रांसपोर्टेशन का जो मेथड होता है वो चीपर हो जाता है. और एक और एडवांटेज है इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन का ओवर रोडवेज या रेलवेज, दैट इट कैन ट्रांसपोर्ट बल्की गुड्स. जो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स हैं, लार्जर इक्विपमेंट्स, कंटेनर, वो भी इन वाटरवेज के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं. जबकि एक लिमिट के बाद देर इज अ कॉन्स्ट्रेंट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग दीज इक्विपमेंट्स थ्रू रोडवेज और रेलवेज. उसके अलावा नेचुरल कैलामिटीज़ के टाइम में भी, मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया, लैंडस्लाइड आ गया, तो रोडवेज डिसरप्ट हो सकता है, रेलवे डिसरप्ट हो सकता है, लेकिन वाटरवे इन जनरल डिसरप्ट नहीं होता है. उसके अलावा फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करने में भी वाटरवेज काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका फॉरेन में काफ़ी डिमांड है, जैसे स्पाइसेज ऑफ नागालैंड, फिर आप कह सकते हैं सैफ्रन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उनका इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी डिमांड है. लेकिन रोडवे या रेलवे ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है और वाटरवे ट्रांसपोर्टेशन अभी तक डेवलप नहीं है, और इसी कारण से इनका इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई रिलेटिवली कम है. लेकिन अगर इनलैंड वाटरवे को बेहतर तरीके से डेवलप किया गया, उसके पोटेंशियल को अनटैप किया गया, तो इन चीज़ों का इंटरनेशनल एक्सपोर्ट भी बढ़ सकता है, जिससे हमारी फॉरेन ट्रेड बढ़ेगी और फॉरेक्स रिजर्व में कमाई बढ़ेगी. और छठा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इनलैंड वाटरवेज आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली. क्योंकि फ्रिक्शन कम लग रहा है तो इस कारण से जो भी मोटराइज्ड बोट्स भी हैं उनकी फ्यूल रिक्वायरमेंट कम होती है. और जो फ्यूल रिक्वायरमेंट कम होती है तो वो ग्रीन हाउस गैस इमिशन की बात हो या फिर पॉल्यूटिंग गैस की बात हो, वो कम रिलीज करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू
द ऑटोमोबाइल्स रनिंग ऑन रोड्स और ऑन रेलवे ट्रैक्स. तो इस कारण से एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी, तो कई सारे एडवांटेज हैं इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप करने के ओवर रेलवेज एंड रोडवेज. लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी हैं ऑफ इनलैंड वाटरवेज ओवर रोडवेज एंड रेलवेज. तो डिसएडवांटेज में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है दैट इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्टेशन इज रिलेटिवली रिस्की. थोड़ा रिस्क बेस्ड है क्योंकि अगर मान लीजिए कि ये शिप में कोई भी इशूज हो गए, डिसफंक्शनल हो गया, तो पूरा का पूरा सामान डूब सकता है. यहाँ पे कैसा, अगर एक्सीडेंट थोड़ी बहुत हो भी जाते तो पूरा का पूरा सामान एक बार में डिस्ट्रॉय नहीं होता. यहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग इंसिडेंट्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं इन इनलैंड वाटरवेज एज कम्पेयर टू रोडवेज या रेलवेज. उसके अलावा जो दूसरा डिसएडवांटेज है इनलैंड वाटरवेज का, वो है स्लो स्पीड. इनलैंड वाटरवे में ट्रांसपोर्टेशन जो है वो काफ़ी स्लो होता है एज कम्पेयर टू रोडवेज एंड रेलवेज. अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब 111 के 111 तो आप नेशनल वाटरवे रट नहीं सकते, लेकिन आपको याद रखने जो इम्पोर्टेंट, अगर आप एपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपको याद रखने हैं जो नेशनल वाटरवेज हैं आसाम के अंदर. तो आसाम के अंदर ये टोटल 13 नेशनल वाटरवेज हैं, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ये नेशनल वाटरवे नंबर 2 विच इज़ ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रॉम सदिया टू धुबरी. इट्स लेंथ इज 891 किलोमीटर्स. अब करंट इनिशिएटिव जो असम सरकार ले रही है, एक बात तो हमने देख लिया कि इनलैंड वाटरवेज को अगर डेवलप किया जाए तो इनके अंदर पोटेंशियल है इकोनॉमी को बूस्ट कराने का और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का. तो इस कारण से इनको इनलैंड वाटरवेज को बूस्ट करने के लिए असम सरकार कई सारे इनिशिएटिव्स ले रही है. तो देखते हैं कुछ करंट इनिशिएटिव जो असम सरकार ले रही है इनलैंड वाटरवेज को डेवलप करने के लिए. एक नई शिप रिपेयर फैसिलिटी लाई जा रही है एट पांडू पोर्ट. जो शिप रिपेयर फैसिलिटी लाई जा रही है दैट इज़ बीइंग ब्रॉट एज ए रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड हुगली कोचीन शिप यार्ड लिमिटेड. ये टोटल 75 करोड़ की ये प्रोजेक्ट होगी जिसमें ये शिप रिपेयर फैसिलिटी बनाई जाएगी एट पांडू पोर्ट. और ये 3.67 एकड़ एरिया में है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं. ऑफकोर्स जब सिप रिपेयरिंग एक फैसिलिटी बना दी जाएगी नियर पांडू पोर्ट, तो उससे होगा क्या कि जो शिपिंग एक्टिविटी है उसको बूस्ट मिलेगा क्योंकि देयर विल बी प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ सिप्स एंड दैट वे सिप ट्रांसपोर्टेशन यानी कि इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्टेशन विल बिकम मोर रिलायबल एंड रिलेटिवली चीपर. और इससे हमारी जो लोकल इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिलेगा. उसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया गया है इनलैंड वाटरवेज के डायरेक्शन में उनको डेवलप करने के लिए, एक मैरीटाइम इंस्टीट्यूट डेवलप किया जाएगा आसाम के अंदर. तो आपको तो पता है कि जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे हमारे असम के सर्बानंद सोनोवाल जी, ही इज़ नाउ यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज. तो ही वाज रिसेंटली इन असम फॉर अ जन यात्रा. तो उस दौरान उन्होंने फिर हमारे चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा सरमा साहब के रिक्वेस्ट करने पे उन्होंने अनाउंस किया कि एक मैरीटाइम इंस्टीट्यूट सेटअप किया जाएगा आसाम के अंदर अंडर दिस यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे. इस मैरीटाइम इंस्टीट्यूट में फोकस किया जाएगा कि कैसे मैरीटाइम जो पोटेंशियल है हमारे स्टेट के अंदर उसको अनटैप किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोफेशनल्स हैं उनको मैरीटाइम फील्ड में ट्रेन किया जाए. उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव पिछले साल असम सरकार लेकर के आई थी मैरीटाइम पोटेंशियल को अनटैप करने के लिए और इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्टेशन को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए, वो था जिबॉन दिंगा स्कीम. जिबॉन दिंगा स्कीम में असम सरकार ने क्या अनाउंस किया कि द स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड अ मॉडर्न बोट इंजन एट ए 70% सब्सिडी रेट. तो जो भी ऐसे मछुआरे थे जो ओल्ड स्टाइल के ट्रेडिशनल बोट्स इस्तेमाल कर रहे थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए या फिशिंग के लिए, उन लोगों को मॉडर्न बोट्स खरीदने के लिए सब्सिडाइज रेट पे लोन मिल रहा है अंडर जिबॉन दिंगा स्कीम. तो मतलब लोन नहीं मिल रहा है, इनफैक्ट जो मॉडर्न बोट इंजन है उसको 75% सब्सिडी पे दे रही है असम सरकार ताकि लोग जो हैं वो नई तरह के मॉडर्न शिपिंग पे या मॉडर्न बोटिंग सिस्टम पे कन्वर्ट हो जाएं. इससे कैसा होगा कि बोट के जो मिसहैप्स हैं यानी कि एक्सीडेंट्स हैं जिसमें कई सारे लोग कई बार डूब जाते हैं, आपको याद होगा 2018 में इस तरह का एक्सीडेंट हुआ था नियर गुवाहाटी इन ब्रह्मपुत्र रिवर. तो इस तरह के एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जा सकता है और जो इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्टेशन है इसको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा सकता है. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट. इट इज अबाउट मिशन कर्म योगी एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर 3 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू. इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर 5 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पॉइंट ऑफ व्यू. तो क्या है मिशन कर्म योगी? देखिए, यूनियन कैबिनेट ने पिछले साल मिशन कर्म योगी स्टार्ट किया था ताकि हमारे देश के जो सिविल सर्वेंट्स हैं, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं, उनको अपने ड्यूटी के प्रति ज़्यादा सजग बनाया जाए, एफिशिएंट बनाया जाए, इफेक्टिव बनाया जाए. देखिए, कर्मयोगी इंसान वो होता है जो कोई काम करता है बिना किसी इच्छा के,
उसको कहते हैं निष्काम कर्म, और दूसरे जो होते हैं जो सकाम कर्म लोग करते हैं, यानी कि जब भी वो कोई काम करते हैं तो उसमें वो अपना पर्सनल बेनिफिट ढूंढते हैं, तो ये होता है सकाम कर्म। जबकि कर्मयोगी वो इंसान होता है जो बस अपना ड्यूटी निभाता है, ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी। तो हमें जो सिविल सर्वेंट चाहिए वो ऐसे चाहिए जो कर्मयोगी हों, दे शुड बी डूइंग देयर ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी। भाई अपना काम आपको बस करना है, डोंट थिंक कि इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, ये फाइल पर मैं साइन कर दूंगा तो मुझे क्या फ़ायदा होगा, यू शुड नॉट थिंक लाइक दैट। यू शुड बी डूइंग निष्काम कर्म, ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी। तो इसी फिलॉसफी को हमारे सिविल सर्वेंट्स के अंदर इंट्रेंच कराने के लिए ये मिशन कर्मयोगी प्रोजेक्ट लाया है यूनियन गवर्नमेंट ने, यूनियन कैबिनेट ने, जिसमें फोकस किया जाएगा कि कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए सिविल सर्वेंट्स की, सो दैट दे कुड इंट्रेंच टू द इंडियन कल्चर। और इंडियन कल्चर ही है निष्काम कर्म करने का, कर्मयोगी बनने का, एंड इन दैट वे दे बिकम मोर क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव, इमेजिनेटिव, प्रोएक्टिव, एंड साथ ही साथ दे शुड बी बिकमिंग मोर एंड मोर टेक्नोलॉजी इनेबल्ड। और जब मिशन कर्मयोगी प्रोजेक्ट है, दिस इज बीइंग डेवलप्ड बाय सेटिंग अप एन इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। तो भारत सरकार ने कर्मयोगी प्लेटफॉर्म अब सेटअप किया है, इस्टेब्लिश किया, जिसके मदद से इन जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं, खास बाकी सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है टाइम टू टाइम, जिसके मदद से उनके अंदर निष्काम कर्म करने की भावना डेवलप हो और वो कर्मयोगी बने। तो टोटल जो 46 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत ट्रेन किया जा रहा है। इसके ऊपर टोटल 510 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। एक पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल बनाई जाएगी मिशन कर्मयोगी को इंप्लीमेंट करने के लिए, जिसके चेयरमैन होंगे प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, विच विल गिव स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन फॉर सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इन मिशन कर्मयोगी। उसके अलावा एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाई जाएगी। स्पेशल पर्पस व्हीकल आपको पता होगा, एक स्पेशल तरह की कंपनी होती है या ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको एक पर्पस के लिए बनाया जाता है, जब वो पर्पस पूरा हो जाता है तो स्पेशल पर्पस व्हीकल को डिसमेंटल कर दिया जाता है। तो मिशन कर्मयोगी को इंप्लीमेंट करने के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जा रहा है, जो जिसका काम होगा मिशन कर्मयोगी प्रोजेक्ट को 5 सालों के लिए इंप्लीमेंट करना। और ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है इसकी कोऑर्डिनेशन यूनिट होगी, दैट विल बी हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी। तो मिशन कर्मयोगी, अब इतना सारा डिटेल में मत याद रखिए, इतना याद रखिए कि आपको कभी सवाल आ जाए पेपर 3 में गवर्नेंस वाले सेगमेंट में कि स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स, या पेपर 5 में आपके सिलेबस में सीधा सीधा लिखा हुआ है एथिक्स एंड इंटीग्रिटी के अंदर अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग द वैल्यूज ऑफ पब्लिक सर्विस इन सिविल सर्वेंट्स। ये दोनों सेगमेंट पर कभी सवाल आ जाए तो आप लिख सकते हैं कि भारत सरकार ने हाल फिलहाल में मिशन कर्मयोगी प्रोजेक्ट इस्टैब्लिश किया है, लॉन्च किया है, ताकि हमारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके अंदर सेल्फलेस सर्विस, निष्काम कर्म की भावना डेवलप और वो ट्रू सेंस में कर्मयोगी बने। दैट इज़ अ काइंड ऑफ सिविल सर्विसेज रिफॉर्म दैट इज़ वेरी मच नीडेड इन प्रेजेंट टाइम। हमारे जो ऑफिसर्स हैं दे शुड नॉट थिंक अबाउट देयर बेनिफिट, दे शुड जस्ट डिस्चार्ज देयर ड्यूटी। ड्यूटी शुड बी डन एट एनी कॉस्ट, ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी। ये तो बात हो गई मिशन कर्मयोगी की, जो पिछले साल ही लॉन्च हो गया था। ये प्रोजेक्ट 2020 से 2025 तक चलेगा। मौजूदा न्यूज़ काफ़ी सिंपल है, करेंट न्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट जिस कारण से मिशन कर्मयोगी दोबारा न्यूज़ में आया था, इस कारण से मैं आप ये कवर कर रहा हूँ। न्यूज़ ये है कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पर्सनल हैज़ इनॉग्रेटेड अ कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग फैसिलिटी फॉर सिविल सर्वेंट्स एंड इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटेरिएट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट। तो एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसमें हमारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो और ज़्यादा कुछ चीज़ें लर्न कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक देयर कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट, मेक देम मोर प्रोएक्टिव एंड क्रिएटिव, एंड डेवलप द सेंस ऑफ सेल्फलेस सर्विस। तो इस टॉपिक के बेसिस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इकोनॉमी सेगमेंट, इट इज अबाउट BH सीरीज नंबर प्लेट, एंड यहाँ जो हम कौन से आइडियाज डिस्कस करने वाले हैं, इट कैन एट मैक्स कम इन द प्रीलिम्स एग्जाम बट नॉट इन मेंस एग्जाम। तो करंट न्यूज देखिए क्या है ये BH सीरीज नंबर प्लेट। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने एक नया नंबर सीरीज स्टार्ट किया जिसका नाम होगा भारत सीरीज, जिसको शॉर्ट में लिखा जाएगा BH सीरीज। नॉर्मली आप किस तरह का नंबर प्लेट देखते हैं, अलग अलग स्टेट का नाम लिखा रहता है, जैसे ये दिल्ली का नंबर प्लेट है DL, हमारे आसाम में लिखा रहता है AS, इससे नंबर प्लेट शुरू होता है। अब एक नया तरह का नंबर प्लेट स्टार्ट होगा, नंबर सीरीज स्टार्ट होगा, जिसका कहा जाएगा भारत सीरीज। और भारत सीरीज में कैसा होगा, सबसे पहले ईयर लिखा रहेगा, ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन, फिर यहाँ पर लिखा रहेगा BH, यानी कि ये भारत सीरीज होगा, फिर इस तरह के 4 डिजिट होंगे और 2 अल्फ़ाबेट्स होंगे। भारत सीरीज का मतलब ये है कि ये जो गाड़ी होगी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी रन कर सकती है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन,
नॉर्मली कैसा होता है कि आप जिस स्टेट में रजिस्टर करते हैं आप उसी स्टेट में उस गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरे स्टेट में लेकर के जा सकते हैं, लेकिन अगर 90 दिनों से ज़्यादा आप उसको उस दूसरे स्टेट में रखते हैं तो आपको फिर दूसरे स्टेट का नंबर लेना चाहिए, वहाँ पर रजिस्टर करना चाहिए उस गाड़ी को। यानी कि आप परमानेंटली अपनी गाड़ी को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट कर रहे हैं तो आपको दोबारा से रजिस्टर करना चाहिए, लेकिन ये जो भारत सीरीज वाली गाड़ी होगी उसको दोबारा रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन भारत सीरीज वाली जो गाड़ी है वो सबको नहीं मिलेगी, जो बीएच रजिस्ट्रेशन वाला नंबर, इट विल नॉट बी अवेलेबल टू एवरीवन, इट विल बी अवेलेबल टू डिफेंस पर्सनल्स, एम्प्लॉयज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट और सेंट्रल पीएसयूज, एंड इट विल ऑल्सो बी एप्लीकेबल टू द प्राइवेट सेक्टर कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस विच हैव ऑफिसेज इन फोर और मोर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। मतलब जिन लोगों को चार या ज़्यादा जगहों पर ट्रांसफ़र होने के चांसेज हैं, जिन जिन लोगों को जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जो जहाँ अलग अलग जगहों पे उनका ट्रांसफ़र हो सकता है, वैसे लोगों को फिर बीएच सीरीज नंबर की गाड़ी वो ले सकते हैं ताकि जब उनका ट्रांसफ़र हो तो अपनी गाड़ी लेकर के दूसरे शहर चले जाए। तो प्राइवेट सेक्टर को भी एप्लीकेबल है, बशर्ते वो ऐसे इंडस्ट्री में काम कर रहा हो, ऐसे कंपनी में काम कर रहा हो जिसके चार से ज़्यादा स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज में ऑफिस हों। The next article is taken from Assam segment. It is about Dipor Bill and this topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. तो सबसे पहले Dipor Bill के बारे में समझ लेते हैं। वैसे तो आप जानते ही होंगे इसके बारे में। It is located in southwest region of Guwahati city in Kamrup district of Assam. It is the sole Ramsar site in Assam. It was designated as Ramsar site in November 2002. इसके अलावा इसको important bird area भी declare किया गया है by Bird Life International. It is also a wildlife sanctuary. के आसपास पे डिपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इस वाइल्ड लाइफ डिपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिए हैं। क्या होते हैं इको सेंसिटिव जोन? तो देखिए, कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क होता है तो उसका जो कोर एरिया है जिसको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बाकी पेरिफेरी में आप जो मर्जी आए वो ह्यूमन एक्टिविटी कर सकते हैं। जो कोर एरिया उसको तो प्रोटेक्ट करना ही है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क का, जबकि बाकी जो पेरिफेरी एरिया है उसकी सेंसिटिविटी के हिसाब से उनको भी थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, वहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ को रेगुलेट किए जाते हैं, और जिन जिन एरियाज़ को माना जाता है कि वो सेंसिटिव हैं उनको फिर डिक्लेयर कर दिया जाता है इको सेंसिटिव जोन। दीज इको सेंसिटिव जोन्स आर एरियाज डिफाइंड अराउंड द पेरीफेरी ऑफ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इट कैन हैव मैक्सिमम 100 मीटर विड्थ, इट कैन हैव मिनिमम 100 मीटर विड्थ फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड इट कैन बी मैक्सिमम 10 किलोमीटर। इको सेंसिटिव जोन्स आर डिक्लेयर बाई मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ डिक्लेयरिंग इको सेंसिटिव जोन इज टू रेगुलेट सर्टन एक्टिविटीज अराउंड नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सो एज टू मिनिमाइज नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ सच एक्टिविटीज ऑन इकोसिस्टम। सरल बात कहें तो भाई, नेशनल पार्क के बगल में आप रिजॉर्ट नहीं खोल सकते, यहाँ पे हाईवे नहीं बना सकते, रेलवे नहीं बना सकते, क्योंकि नेशनल पार्क के जो पेरीफेरी वाले एरिया है उसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया जाता है कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक, 10 किलोमीटर तक, ताकि ह्यूमन इंक्रोचमेंट जो है वो धीरे धीरे नेशनल पार्क में ना हो पाए या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ना हो पाए। हाल फिलहाल में ये जो डिपोर बिल है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके आसपास के कुछ एरियाज़ को नोटिफाई किया गया है एज इको सेंसिटिव जोन अंडर दिस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। दूसरा आर्टिकल है, इट इज़ ऑल्सो फ्रॉम असम सेगमेंट। इट इज़ अबाउट असम्स फर्स्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बींग स्टैब्लिश्ड। तो स्टेट्स फर्स्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट ओपन। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर 6 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्या है न्यूज़? असम्स फर्स्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ के लेकाई एरिया में ये नया प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया गया है। इसमें भी लगभग 75 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और ये 28.3 हेक्टेयर एरिया में ये प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। दिस प्रोजेक्ट इज़ बीइंग बिल्ट अंडर असम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। ये जो नया प्रोजेक्ट लाया गया है, इट विल बी असम्स फर्स्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जिसमें डेली बेसिस पे लगभग 100 मेट्रिक टन्स ऑफ सॉलिड वेस्ट को कंपोस्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये प्रोजेक्ट 2017 में स्टार्ट हुआ था अंडर असम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, अब जाकर के 2021 में कंप्लीट हो पाया है। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द आइलैंड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाई 10 डिग्री चैनल। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, अंडमान एंड निकोबार। सेकेंड, समृद्धि स्कीम, इट इज लॉन्च बाई मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इट इज रॉन्ग। इट इज लॉन्च बाई मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मेन ऑब्जेक्टिव इज टू गिव इम्पेटस टू टेक्सटाइल सेक्टर, अगेन इट इज रॉन्ग। मेन ऑब्जेक्टिव इज टू गिव इम्पेटस टू स्टार्टअप। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नन। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।